ईशान करा डिश टीवी वाला। ठीक है, ये हो गया, लॉक कर दीजिए, हो गया ये। अब इसके बाद एक फॉर्मूला होता है, यहीं से देखना, इसी फॉर्मूले से तुमको डिराइव करने चाहेंगे। ये फॉर्मूला दोनों लिख लो एक जगह, ये वाला और ये वाला, इसका बस ये लिखना। ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बेस्ड क्वेश्चंस जो आते हैं, ठीक है। तुमने प्लस माइनस एडिशन, प्लस माइनस और एडिशन में सिखा देता है, मल्टीप्लीकेशन भी सिखा देता है दो टर्म्स का, लेकिन अब इसके फॉर्मूले पे बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वो वाले, ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, हैव यू नोटेड डाउन? नो। डू फास्ट देन। ओके। अब देखो, ए प्लस बी होल स्क्वायर का मैंने फॉर्मूला क्या बनाया ऊपर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये बनाया है। और यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या बनाया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ये प्लस है तो प्लस टू ए बी, ये माइनस है तो माइनस टू ए बी। ओके, यदि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, तुमको ये वैल्यू दिया हो और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको उधर शिफ्ट कर देंगे, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस टू ए बी गिव्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, होगा होगा, ठीक है। सिमिलरली इस केस में यदि तुम्हें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना हो तो इसको उधर शिफ्ट कर देंगे, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ प्लस नहीं सॉरी यहाँ माइनस होगा, माइनस टू ए बी होगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बन गया, दो नए फॉर्मूला बन गए इसी से। ठीक है, नोट डाउन, पहला वाला नोट किए थे, लिखे हुए तो हैं, सब लिखा हुआ है। मिक्की एक जगह बैठ जाओ, अपने तुम भी अपना वो ले लो, क्या बोलते उसको, रिकॉर्डिंग होली पर बैठो, वो क्या बोलते हैं उसको, पढ़ाई, वो ब्लॉक से खेलो, ब्लॉक टोपी मुझे ब्लॉक रखा है ऊपर, हाँ इसीलिए बना रहे ना, क्यों नहीं आ रहा, उसकी तबीयत खराब है, निमोलाइजर भी उनका चल रहा है, क्या होता है निमोलाइजर, जो कफ जो बहुत ज़्यादा था तो मशीन ही लगा था नाक पे, अच्छा कफ उसको हो गया ज़्यादा, हो गया नोटेड डाउन, ठीक है। इसको अभी तक कोरोना का खौफ गया नहीं, शैल आई रब, ठीक है। अब इसके बाद यदि मेरा फॉर्मूला ये हुआ a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, तो नया फॉर्मूला क्या ड्राइव होगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखो, पहले क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है, माइनस ए माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ओके, ओपन द ब्रैकेट, क्या होगा ए स्क्वायर, देखो इन फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं, यदि ये प्लस रहता है तो हमारा प्लस टू ए बी जाता है, यदि माइनस रहता है तो माइनस टू ए बी हो जाता है, बाकी फॉर्मूला सेम रहता है, ठीक है। ओपन द ब्रैकेट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस है तो सारे साइन चेंज, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ओके, अब देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, टू ए बी प्लस टू ए बी क्या हो गया, फोर ए बी आया, यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला कब क्या होगा, फोर ए बी ओनली, ठीक है, नोटेड डाउन। चीन चीन पागल है, मुझको पता नहीं कितना चीन, मैं अपनी रिकॉर्डिंग पागल बोल गया, कुछ एडिट नहीं करूंगी, ऐसे ही भेजूंगी मैं उसको, पता चल जाएगी हमने किसको उसको पागल बोला। हैव यू नोटेड डाउन? नो। लिखो जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट, आप
रहती नहीं है वो किसी उल्टा पटक में। रहती भी काम पर नहीं है वो। हाँ। रोज मिले तो सो के फिर आती पढ़ना। तो परमिशन कैसे मिलती है? इनके पापा ही तो बॉस हैं वहाँ पर। अनुज अभी नोटेड ओके। यहाँ पे मेरा फॉर्मूला था, देखो साइन देखना। ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला में डिराइव करो ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, अगेन ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ओके बीच में साइन एज इट इज, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ओके ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ब्रैकेट के बाहर यदि प्लस रहता तो तब साइन एज इट इज रहती है, जो ब्रैकेट के अंदर साइन रहती है, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। इसमें देखो ये प्लस टू ए बी, ये माइनस टू ए बी, दोनों कट कैंसिल डाउन, बचा क्या ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या हो गया ये? टू ए स्क्वायर हो गया और ये क्या हो गया? टू बी स्क्वायर, मतलब टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, यानी इसके इक्वल टू क्या है? डेरिवेशन इज कंप्लीट, सारे फॉर्मूले के डेरिवेशन इतने हैं। अब इस पे बेस्ड हम क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर। अच्छा हो गया, नीचे का हो गया, यानी मेन तुमको कौन कौन से फॉर्मूले रटने? ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर, बस उसी से सारे फॉर्मूले डेराइव हुए। बाकी सब फॉर्मूले नहीं भी रटे रहेंगे तो कोई टेंशन की बात नहीं है, हम लोग कर लेंगे वो, लेकिन वो दोनों फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। मैं दोनों फॉर्मूले ऊपर लिख देती हूँ एक बार, ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला ए माइनस बी होल स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके एक चीज और, ये टू ए बी क्या है? टू इंटू फर्स्ट टर्म का है ना विदाउट स्क्वायर, और बी क्या है? लास्ट टर्म का, यही है ना विदाउट स्क्वायर। ये स्क्वायर यदि हट जाएगा तो हमारा क्या है? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है ये। ठीक है, ये ध्यान देना कि हमारा टू ए बी आया कहाँ से? हमारा टू इंटू फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। ठीक है, ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन, मिटा क्यों दिया? नाउ कम टू द, एक फॉर्मूला और है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला भी रट लो, ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। बस मे भी शायद ये वाला नहीं होगा, लेकिन मैं बता दे क्योंकि स्क्वायरिंग वाले तो सारे हैं तो मे भी ये वाला भी होना चाहिए। ठीक है, इसको भी रख लो। साले मेरा ऊपर वाला बन नहीं रहा, कोई बोला भी नहीं हमको, गंदे बच्चे हैं सब, बोलता नहीं है, बैठ जाती है। ओके नहीं, नाउ कम टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन है 9 ए स्क्वायर प्लस 15 ए बी प्लस 25 बी स्क्वायर। लिखा है कि वेदर ए फॉलोइंग एक्सप्रेशन तुम्हारी परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। परफेक्ट स्क्वायर मतलब तुम्हारा इस टाइप का टर्म है कि नहीं, ए प्लस बी होल स्क्वायर, क्योंकि ये भी तो परफेक्ट स्क्वायर ही है ना किसी चीज का।
तो हमारी ये जो टर्म है वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, ये है क्वेश्चन पूछा गया। ओके ये क्या है 3a का होल स्क्वायर, ओके ये क्या है हमारा 5b का होल स्क्वायर। मैंने कहा था मेरे जो बीच की टर्म आती है वो 2ab रहती है, 2 इंटू ए मेरा ये स्क्वायर हटाने के बाद ना, ठीक है, इंटू 3a और b मेरी ये स्क्वायर नहीं रहेगी, ठीक है। 2, 3, 6, 5, 30, हाँ क्या होगा 30, 30, 30 ए बी यही होगा बीच में, 3a का होल स्क्वायर प्लस 5b का होल स्क्वायर। बट हमारा क्वेश्चन में क्या लिखा है, यहाँ 15ab लिखा है, हमारा आ क्या रहा है 30ab आ रहा है, मतलब दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, समझ में आ रहा है इसमें लिखा हुआ है। देयरफॉर क्योंकि हमको ये तो पता है कि ये हमारा 3a का होल स्क्वायर, ये हमारा 5b का होल स्क्वायर है, हमारा मिडिल टर्म जो होता है 2ab होता है, 2ab होने का मतलब हमारा 30ab आना चाहिए, बट क्वेश्चन लिखा है 15ab, तो मतलब ये जो एक्सप्रेशन हमारी इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4x की 4 प्लस 36x की स्क्वायर प्लस 81 तो अपना लोग फोन में क्यों नहीं वो कनेक्ट कर ले रहे हो क्या? चार्ज पे लगा दो जब पापा के चार्जिंग पे। मैं अकेले नहीं जा। अरे नहीं कोई आ जाए जल्द लगा। मैं अकेले नहीं जा। देखो ये हमारा होगा 2x का स्क्वायर का स्क्वायर होगा ये, क्योंकि x की पावर 4 मतलब x की स्क्वायर इनटू x की स्क्वायर होगा, तो मैं 2x स्क्वायर का स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा ये 9 का स्क्वायर है, और है नहीं कि नहीं 9, 9, 81, ठीक है। तो मेरी बीच में टर्म आनी चाहिए 2 इंटू ए, ए मेरा पूरा ये होगा 2x स्क्वायर इंटू 9, ये होना चाहिए, ठीक है। 2, 2 जा 4, 9 जा 36 एक्स स्क्वायर, और आगे क्या आ रहा है 2x का होल स्क्वायर प्लस प्लस 9 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये मेरी परफेक्ट स्क्वायर क्योंकि मैच कर रहा है, तो परफेक्ट स्क्वायर किसका है, हम लोग क्या लिखते थे यहाँ पे, हमारा ये a प्लस बी होता था, a ये वाली टर्म b ये वाली टर्म, इसका स्क्वायर लिखते थे ना, प्लस सारी साइन प्लस है, सारी साइन मेरी प्लस है, तो a मेरा क्या है यहाँ पे 2x स्क्वायर है, और b मेरी क्या है 9 है, इसका टोटल का स्क्वायर होगा हमारा यू एक्सप्रेशन। समझ में आया? ऐसी समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसी समझ में आ रहा है। Now next type of question, next type of question, ये तो पहले वाला type से हो गया कि इसमें ये था कि ये perfect square है कि नहीं है, तो हमारा ये वाला expression perfect square नहीं था because middle term हमारी change हो रही थी, ये वाली मेरी परफेक्ट स्क्वायर था क्योंकि सब कुछ मैच हो रहा था, ठीक है, क्योंकि सब कुछ मैच हो रहा था। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है 4x of the following to make it perfect square. क्या हो रहा है? पहला क्वेश्चन है 49x स्क्वायर माइनस 42x। क्वेश्चन उतारो पहले, फिर समझाती हूँ। मिकी पैन ऑन कर दो, चलो आज मेरे गाने चल के लियो। हाँ चल चल, हेलो पैन ऑन कर लो कुछ देर के लिए, दो लगा कराऊं।
लगा कि ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, यही क्वेश्चन है ना इस एक्सप्रेशन। अब देखो हमारा जो एक्सप्रेशन था a माइनस छोड़ो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है। हमारी ये टर्म तो हमको दिख रही है, ठीक है, ये टर्म भी हमको दिख रही है क्योंकि x है यहाँ पे, मतलब वेरिएबल है, b स्क्वायर यहाँ पे मतलब कोई कांस्टेंट टर्म होगी, मतलब कांस्टेंट टर्म होगी। ये टर्म भी हमको दिख रही है यहाँ पे, दिख रही है हमारी ये टर्म क्या है, मिस्ड है यहाँ से, ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके अब यहाँ से तुमको दिख रहा है कि हमारा ए स्क्वायर यहाँ पे क्या है, इट्स 49x स्क्वायर है, ठीक है, यानी a मेरा क्या है, टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट कैसे पेयरिंग लेंगे या स्क्वायर स्क्वायर काटेंगे, तुम्हारा क्या होगी 7x का होल स्क्वायर होगा, ये ए स्क्वायर इज बराबर 7x का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या आई मेरी 7x आ गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 2ab माइनस 2ab मेरा माइनस 42x के बराबर है, ठीक है। a हमको पता है क्योंकि a मेरे यहाँ पे क्या आ गया 7x आ गया, माइनस और माइनस पहले कैंसिल, 2 की जगह मैंने क्या रखा 7x रखा, सॉरी ए की जगह, इन टू बी हमको नहीं पता, बी हमको फाइंड करना है, इज इक्वल टू 42x होगा, ठीक है। ये x ये x कट जाएगा, ठीक है, ये 27 नहीं है, 2 इंटू 7 होगा। अब क्या होगा, 7 टू जा 14, बी इज इक्वल टू 42 हो गया, और बी इज इक्वल टू क्या हो गया 42/14, ठीक है। 14 किसके टर्म में 42 कितनी बार आता है, इट्स 3 टाइम्स, बी की वैल्यू क्या है मेरी 3 आई, यानी यहाँ पे मेरा यही टर्म मिस था ना, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर होगा, यानी क्या होगा इस जगह 9 होगा। क्या टर्म मैंने ऐड किया कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन गया, 9 ऐड किया है मेरा परफेक्ट स्क्वायर, और ये 9 आया कहाँ से, इसके थ्रू आया, समझ में आया कैसे किया, आ रहा है ना समझ में, नोट डाउन। हमको ये पता ना इसमें दो टर्म स्क्वायरिंग की रहती है फॉर्मूले में, दो टर्म स्क्वायर वाले रहते हैं और बीच वाली टर्म क्या प्रोडक्ट्स रहती है, ये पता है ना, ठीक है, बस यही याद रखना है। यहाँ पे हमें एक स्क्वायर मिला था लेकिन दूसरा स्क्वायर नहीं था हमारे पास, हमारे पास एक स्क्वायर था और दूसरा प्रोडक्ट वाली वैल्यू थी, स्क्वायर वाली टर्म गायब थी यहाँ से, बी स्क्वायर गायब थी, तो मैंने बी यहाँ से फाइंड आउट किया। ये तुमको अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये गायब रहेगा, नोट डाउन करो। छोटी बात